Hey guys, welcome back to the channel and I am back with another vlog. This time I am going to explore another dam which is nearby Chandigarh and it was suggested by one of you. So let's come and see ki ye kaisa dikhta hai. इट्स ऑलमोस्ट 5 AM इन द मॉर्निंग और इस बार हम थोड़ा जल्दी निकले हैं बिकॉज लास्ट टाइम जब हम जयंती डैम गए थे तो हम बहुत लेट हो गए थे और हमने सनराइज मिस कर दिया था और फिर बाद में बहुत धूप हो गई थी. सो दैट्स वाई आज हम थोड़ा जल्दी निकले हैं सो दैट कि हम सनराइज मिस ना कर सकें. डैम जाने के लिए हम न्यू चंडीगढ़ को क्रॉस करके जो बदी वाला रोड है उस रोड पर जाएंगे. The best and the adventurous part of this place is that we can do trekking there. और हम बातों में इतना बिजी हैं कि हम आगे निकल गए हैं, हमें वो रोड दिखाई नहीं दिया बिकॉज वो ऑफ रोड पे, जो डैम है वो ऑफ रोड पे है, इसीलिए हम आगे आ गए. दिस इज द मेन गेट, मेन एंट्रेंस ऑफ द सिसवान डैम. Everyone, this is Malika and welcome back to my channel. And today we are here at Suswa Dam. It is almost 20 to 25 kilometers away from Chandigarh and it is the best place for trekking. So and you can enjoy different viewpoints here. It has almost 21 viewpoints and I will suggest you to come here with your friends and you will definitely going to enjoy here. जब आप एंटर करोगे तो आपको राइट हैंड साइड पे ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा. अभी सनराइज नहीं हुआ है. और ये जो आपको बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं ये रिजॉर्ट्स हैं. अगर आप यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए आते हो तो आप यहाँ पे रह सकते हो. और सनराइज हो गया है एंड गाइज इट्स लुकिंग फैब. आई कांट टेल यू, मेरा जो कैमरा है वो जेन्युइन व्यू नहीं दिखा रहा है अभी, बट सनराइज बहुत अच्छा दिख रहा था यहाँ पे. नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड्स ट्रैकिंग. अभी हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे. हेयर आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज़ द सैटेलाइट मैप व्यू ऑफ दिस एरिया, जिसमें बताया गया है कि ऑलमोस्ट 24 व्यू पॉइंट्स हैं और आप कैसे कैसे ट्रैकिंग कर सकते हो, वे बताया गया है और व्यू पॉइंट्स दिखाए गए हैं. और हमारी ट्रैकिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है. तो चलो चलते हैं, देखते हैं व्यू पॉइंट्स, डिफरेंट व्यूज़. ये हम पहुंच गए फर्स्ट व्यू पॉइंट पे. यहाँ से कुछ नज़ारा इस तरह से दिखाई देता है. कितना सुंदर लग रहा है ना, जंगल एंड इट्स लुकिंग फैब. और अभी हम व्यू पॉइंट 1 से नीचे उतर के मेन ट्रैक की तरफ जा रहे हैं और ये हम पहुंच गए हैं व्यू 2 पे. हम सभी व्यू पॉइंट्स पे नहीं जा रहे हैं बिकॉज जो पास व्यू पॉइंट्स है वो सेम व्यूज ही दिखा रहा है. सो वी आर गोइंग लिटल अपवर्ड ताकि जहाँ हमें डिफरेंट व्यू दिखे. और आपको रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई देंगी. गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा एंट्रेंस भी बनाया हुआ है. नाउ दिस व्यू पॉइंट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट व्यू पॉइंट और इसका जो रास्ता है वो भी बहुत अच्छा और लिटल एडवेंचरस था. बहुत मतलब छोटा था तो उस पर जाने के लिए भी बहुत मज़ा आया. और इस तरह से व्यू पॉइंट्स पे आपको ये हट टाइप के बने होंगे जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो और व्यू को इन्जॉय कर सकते हो. और ये है मेन व्यू पॉइंट.
और हम उस व्यू पॉइंट पे नहीं गए हैं बिकॉज जिस पे हम अभी खड़े हैं वो थोड़ा अपर हाइट पे था, दैट्स व्हाई हम उधर नहीं गए हैं। It's the time to say goodbye to this beautiful place. Thank you so much guys for watching it. I hope aapko ye vlog acha laga hoga and I will suggest you to come here and visit this place. Thank you so much guys for watching it and stay safe, stay happy. Hogi tracking. कर लो डिसाइड ऐसा नहीं, फिर ऊपर आके वाले पड़े। आओ 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 जल्दी आओ, थोड़ा आराम से आओ। मैं बोला था ना इसकी नौका यार मोबाइल। एवरीवन इट्स मलिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड बस अन्ना बहुत है।